हाय एवरीवन, मैं आपका दोस्त साहिल स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। आज कर रहा हूं एक न्यू अनबॉक्सिंग, वो है Xiaomi Mi 9 की। तो ये आ गया है मेरे पास फोन। वैसे ये फोन आ गया था लास्ट वीक ही, मगर मैं था थोड़े काम में बिजी, आ जाया हूं अपने घर पे चाइना में, तो ये मैंने फोन लिया है फ्रैंक से। इंग्लिश चैनल पे इसकी अनबॉक्सिंग आ गई है। आज इसका प्रॉपरली अनबॉक्सिंग करूंगा जैसे मैं करता हूं अपने स्टाइल पे, सब कुछ दिखाऊंगा आपको अनबॉक्सिंग वीडियो में। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। इस फोन का रख रहा हूं मैं गिव अवे, जिसकी कंडीशन बताऊंगा मैं वीडियो में, तो पूरी वीडियो जरूर देखिए, बढ़िया लगे तो लाइक जरूर कीजिए, और कुछ जानना चाहते हैं इस फोन के बारे में तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। तो वीडियो शुरू करते हैं आज की। तो ये रहा हमारा बॉक्स, मी 9 का सिल्वर कलर का बॉक्स है जो काफी बढ़िया लग रहा है। मी 9 लिखा है यहाँ पर, साइड पे देखेंगे Xiaomi लिखा है चाइनीज में, और 9 ये है चाइनीज वेरिएंट। तो बैक में देखेंगे इसकी स्पेसिफिकेशन, स्नैपड्रैगन 855, 7nm का चिपसेट और ऑक्टा कोर 2.84 GHz, 48 मेगापिक्सल का कैमरा है, ट्रिपल कैमरा है जो बहुत बढ़िया है, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट भी है, और चार्जर है वायरलेस 20 वोट का, और जो दूसरा चार्जर है वो 27 वोट का। 6GB वेरियंट लिया है मैंने 128GB रोम के साथ, और ये मुझे कॉस्ट हुआ है 2999 yuan, जो अगर एक्सचेंज रेट के हिसाब से देखा जाए 31,000 से 32,000 के बीच में आता है, 32,000 के नियर वोट पड़ेगा इंडिया में। तो इसका मैंने वायरलेस चार्जर अलग से लिया है कि ये साथ में नहीं मिला मी मिक्स 3 की तरह, तो ये मुझे पड़ा नियर वोट 1500 से 1600 के बीच, 149 RMB का है ये। तो इसके बारे में मैं दिखाऊंगा जब मैं इनका टेस्ट करूंगा। मैं सोच रहा हूँ मिक्स 3 के वायरलेस चार्जर और मी 9 के वायरलेस चार्जर का एक टेस्ट करूँ, देखूँ कितना डिफरेंस है, क्योंकि ये 20 वोट का वायरलेस चार्जर है जो सबसे बढ़िया है अभी तक, तेज़ है अभी तक जितने भी वायरलेस चार्जर आए हैं। तो इसका मैं अनबॉक्सिंग उस टाइम करके दिखाऊंगा, कल या परसों में, तो देखेंगे कितना बढ़िया है ये। तो अब देखते हैं बॉक्स के अंदर हमें क्या क्या मिलेगा। तो ये खोला हमने बॉक्स, तो पहले एक आएगा छोटा सा बॉक्स, इसमें देखते हैं हमें क्या क्या मिला है। तो सबसे पहले सेमी इजेक्टर टूल और एक 3.5 ऑडियो कन्वर्टर, ये इंस्ट्रक्शन मैनुअल है जो चाइनीज़ में किसी काम के नहीं, और एक सिलिकॉन कवर। तो Xiaomi ये बढ़िया करता है, सिलिकॉन कवर साथ में ज़रूर देता है। तो निकालते हैं हमारे फ़ोन को, मैंने ब्लू कलर लिया है, बहुत ही प्यारा लग रहा है ये फ़ोन, 6.39 इंच की स्क्रीन है। तो फ़ोन को देखेंगे थोड़ा बाद में, पहले देखते हैं इसका चार्जर और डाटा केबल। तो इस फ़ोन में हमें मिलेगा 27 वोल्ट का चार्जर, तो बहुत ही बढ़िया है 27 वोल्ट का, काफ़ी तेज़ होगा। मैं जल्दी टेस्ट करूँगा इसकी बैटरी ख़त्म करके, 0 to 100% बैटरी चार्जिंग टेस्ट। और जो हमें मिला है डाटा केबल वो है टाइप सी चार्जिंग पोर्ट। तो आप देख सकते हैं ये है होलोग्राफिक कलर जिसमें ग्रीन का टच भी आता है, बहुत प्यारा है। 4-साइड कर्व्स है, आप देख सकते हैं ट्रिपल कैमरे में एक रिंग बनी है फ्लैश के साथ, बहुत ही प्यारा लग रहा है। लेफ्ट साइड पे देखिए, राइट साइड पे देखेंगे एक वॉल्यूम की और पावर ऑन बटन, नीचे मिलेगा एंटीना रे, माइक, स्पीकर और USB-C टाइप चार्जिंग पोर्ट। यहाँ मी का सपोर्ट मिलेगा और सिम ट्रे। तो सिम ट्रे दिखाता हूँ आपको, इस फ़ोन में है 2 नैनो SIM की सिम ट्रे। तो मेमोरी कार्ड सपोर्ट नहीं करता ये फ़ोन, सिर्फ 2 नैनो SIM आ सकते हैं इस फ़ोन में। और टॉप पे होगा IR ब्लास्टर, नॉइस कैंसिलेशन और एक एंटीना रे। तो करते हैं फ़ोन को ऑन, 6.39 इंच की AMOLED डिस्प्ले के साथ आता है ये फ़ोन। नॉच है इस फोन में, 19:5:9 का स्क्रीन रेशियो और 2340x1080 का स्क्रीन रेजोल्यूशन। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर है इस फोन में, एंड्रीनो 640 के साथ आता है। PPI डेंसिटी है नियर अबाउट 409। तो ये हो गया हमारा फ़ोन ऑन। तो पहले देखते हैं इस फ़ोन की सेटिंग, सेटिंग में जाते हैं। तो अब देख सकते हैं बढ़िया लग रही है नॉच काफ़ी, Redmi Note 7 से मुझे ज़्यादा बढ़िया लगी। Snapdragon 855, बैटरी कैपेसिटी 3300 mAh, रियर कैमरा 48-12 मेगापिक्सल, एंड्रॉयड पाई के साथ आया है ये फ़ोन, तो ये बढ़िया है, लेटेस्ट वर्जन दिया है, MIUI 10 है क्योंकि ये है चाइनीज़ वर्जन। ऑक्टा कोर 2.84 GHz, ये भी बढ़िया लगा मुझे इस फ़ोन में। फेस लॉक ट्राई करते हैं इस फ़ोन का कितना है फास्ट। तो ये बहुत ही क्विक था फेस लॉक, तो ट्राई करते हैं फेस अनलॉक इसका, तो बहुत तेज़ है आप देख सकते हैं, सेकेंड में खुलता है। तो एक बार डार्क करते हैं रूम को और देखते हैं कि नाइट में इसका फेस लॉक कैसा होगा। तो अब देख सकते हैं बिल्कुल डार्क है, और फेस अनलॉक उसमें भी हल्का सा स्लो है मगर काफ़ी क्विक है कंपैरिजन करें अगर दूसरे फ़ोन्स के साथ। तो अब ट्राई करते हैं इसका इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर। तो मैंने ओप्पो में ट्राई किया था, ओप्पो K1, ओप्पो R17, तो उसमें लैग करते हैं, तो देखते हैं इसका कैसा है। तो ये बढ़िया लग रहा है, काफ़ी
क्विक हो रहा है, आप देख सकते हैं। तो बाकी मैं आपको बताऊंगा इसका इन डिस्प्ले का कैसा वर्क कर रहा है फ्यूचर में। तो अब देखते हैं एंटूटू बेंचमार्क 369, 547 स्कोर है जो बहुत ही बढ़िया है स्नैपड्रैगन 855 का। एंड्रॉयड वर्जन 9, 1080x2340 का स्क्रीन रेजोल्यूशन, 6 GB रैम है ये वेरिएंट, 8 GB में भी मिलता है, और ऑक्टा कोर 2.84 GHz के साथ ये आता है फ़ोन। डिस्प्ले में देखते हैं 6.3839 इंच है, 440 डेंसिटी है और 404 PPI डेंसिटी है, मैंने आगे पहले गलत बोला। 3300 mAh की बैटरी है, NFC सपोर्ट करता है। गीक बेंच का ट्राई करते हैं, तो गीक बेंच का स्कोर आया है, सिंगल कोर है 3448 और मल्टी कोर है 11019, तो काफ़ी बढ़िया स्कोर है इस फ़ोन के। तो अब ट्राई करते हैं DRM इन्फो। काफ़ी लोग मुझे पूछते हैं इसका देखिए सिक्योरिटी लेवल 3 है या 1 है, जो नेटफ्लिक्स में देखना चाहते हैं 4K वीडियो, तो इसमें आ रहा है लेवल 3 फिर से, मगर मैंने किसी की वीडियो देखी थी उसने दिखाया लेवल 1 है जो ग्लोबल वर्जन में है। तो अगर आपको चाहिए तो ग्लोबल वर्जन ट्राई कीजिए लेवल 1 के लिए। अब ट्राई करते हैं स्पीकर इसका। क्वालिटी काफ़ी बढ़िया लगी। अब देखते हैं डिस्प्ले कैसी लगती है। टिकटॉक चला रहा हूँ मैं चाइनीज़ वेरिएंट, तो डिस्प्ले काफ़ी बढ़िया है, एमोलेड डिस्प्ले के साथ आया है ये फ़ोन। अब बात करते हैं इसकी खासियत की, जो है इसका ट्रिपल कैमरा। DxO मार्क में स्कोर है 112 जो बहुत बढ़िया है। 48 MP का कैमरा दिया है, 1.75 एपिचर, 12 MP का अल्ट्रा वाइड f2.2 एपिचर, 16 MP का टेलीपोटो f2.2 एपिचर। सोनी का सेंसर यूज़ किया है IMX586 और सैमसंग का S5K3FM5 और सोनी IMX481 दिया है वाइड एंगल और टेलीपोटो के लिए। तो फ़ोन में काफ़ी नए फीचर्स हैं जो मैं कैमरा रिव्यू में आपको सब दिखाऊंगा। तो पहले देखते हैं हम वीडियो किस में रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो अल्ट्रा HD 4K 30 FPS में हम ये रिकॉर्ड कर सकते हैं वीडियो। तो फ्रंट कैमरा दिया है 20 MP का इस फ़ोन में f2.0 अपर्चर के साथ, और उसमें हम करेंगे फुल HD 1080p के साथ रिकॉर्डिंग। तो शॉर्ट वीडियो स्लो मोशन, स्लो मोशन में आप देख सकते हैं 960 FPS मिलेगा आपको सबसे ज़्यादा, 120 और 240 भी साथ में हैं, तो ये बढ़िया है। तो एक शॉर्ट वीडियो में नया फीचर है, शॉर्ट वीडियो बनाओगे तो आप म्यूज़िक ऐड कर सकते हैं अपने आप, तो ये एक नया फीचर लगा मुझे इस फ़ोन में। तो ये है अल्ट्रा वाइड एंगल मोड, ऑफ भी कर सकते हैं, तो काफ़ी बढ़िया है फीचर इसके कैमरे में। जल्दी लाऊंगा इसका रिव्यू, कंपैरिजन भी करूंगा कुछ लेटेस्ट फ़ोन के साथ। ये AI मोड है ब्यूटी का, तो फोटोज़ में भी अल्ट्रा वाइड एंगल ऑफ और अप देख सकते हैं। तो ये है डायनामिक शॉट अगर आप खींचना चाहते हैं इस फ़ोन में। तो पोर्ट्रेट मोड में मिलेगा आपको फुल बॉडी, ये भी नया फीचर है इसका। तो काफ़ी न्यू फीचर ऐड किए हैं इस फ़ोन में शाओमी ने। तो प्रो में मिलेगा आपको 48 MP, आप देख सकते हैं। तो कैमरा रिव्यू जल्दी लाऊंगा और सब कुछ डिटेल में आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। तो लास्ट में ट्राई करते हैं पबजी का गेम प्ले। स्नैपड्रैगन 855 के साथ ये फ़ोन आता है, 6 GB रैम, 8 GB रैम और 12 GB रैम का वेरिएंट मिल जाए आपको। तो लैग और हीट अप का ऑप्शन तो नहीं है, मगर हम ट्राई करेंगे, गेमिंग रिव्यू जल्दी लाऊंगा आप देख सकते हैं। तो इसमें हमें ग्राफिक्स हम खेल सकते हैं अल्ट्रा HDR में, अल्ट्रा HD इसमें भी नहीं चलता तो आपको GFX टूल ही यूज़ करना पड़ेगा। एक इसका कंप्लीट गेमिंग रिव्यू लाऊंगा 100% to 0% का। तो अगर आप कोई गेम रिकमेंड करना चाहते हैं मुझे खेलने के लिए तो मुझे बताइए, मैं डाउनलोड करके कोशिश करके वो खेलने की ज़रूर कोशिश करूँगा। तो अब बात करते हैं गिव अवे की। तो गिव अवे कर रहा हूँ मैं इस फ़ोन का Mi 9 का, जब मेरे हो जाएंगे 80,000 सब्सक्राइबर। आपको मुझे फॉलो करना है इंस्टाग्राम पर, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं करेंगे तो आप डायरेक्टली डिसक्वालीफाई हो जाएंगे।
और लास्ट ऑप्शन है आज की वीडियो की अनबॉक्सिंग की वीडियो के बाद जो भी मैं वीडियो डालता हूँ जब तक गिव अवे का रिजल्ट नहीं आता आपका एक कमेंट होना चाहिए, क्योंकि मैं यूज़ करता हूँ रैंडम कमेंट पिकर और जो विनर होगा मैं कोई भी वीडियो चूज़ कर सकता हूँ आज की वीडियो के बाद वाली, तो उसमें अगर आपका कमेंट नहीं हुआ तो आप अनलकीली आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो इसमें लक डिपेंड करता है, मुझे पर्सनल मैसेज भेज के आप ये इमोशनल मत कीजिए कि मेरे पास फ़ोन नहीं है, मैंने फ़ोन लेना है, मैंने अपने घर वालों को फ़ोन देना है, तो मैं उसमें आपकी हेल्प नहीं कर सकता। मगर अगर आप फ़ोन जीतते हैं तो ये आपको फ़ोन ज़रूर मिलेगा, मैं आपको करूँगा कोरियर चाइना से, उसके बाद जो कस्टम होगा आपकी कंट्री का वो आपको पे करना पड़ेगा। ये मेरे पास एक दो बार प्रॉब्लम आई थी, जो विनर था वो बाद में कह रहा था कि मैंने कस्टम पे नहीं करना, वो भी मैं करूँ, तो वो मैं पे नहीं करूँगा, वो आपको ही पे करना पड़ेगा अगर आप विनर होंगे। तो गेमिंग के हिसाब से फ़ोन बहुत बढ़िया चल रहा है, लैग बिल्कुल भी नहीं किया, हीटेड अप मैंने ट्राई नहीं किया मगर फील नहीं हो रहा। तो गेमिंग रिव्यू में हीटिंग की ऑप्शन और लैग का पूरा दिखाऊंगा, गेम्स काफ़ी खेलूंगा तो देखेंगे कि इसकी परफॉर्मेंस क्या है। तो अगर आप इस फ़ोन के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, कोई टेस्ट चाहते हैं या कुछ भी कंपैरिजन करना चाहते हैं किसी फ़ोन के साथ, तो ज़रूर मुझे बताइए, अगर वो फ़ोन मेरे पास होगा तो मैं कंपैरिजन करूँगा। आज मैंने वीवो आईक्यू जो फ़ोन लॉन्च किया है उसको भी ऑर्डर कर दिया है, वो मेरे पास नियर अबाउट 8 से 9 मार्च में आएगा, क्योंकि मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया है तो स्टोर पे अवेलेबल नहीं है, स्टॉक नहीं कह रहे हैं वो, तो मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया तो वो आएगा, तो उसकी भी अनबॉक्सिंग आएगी इस महीने। शायद आपको एक गिव अवे और मिल सकता है अगर 80,000 सब्सक्राइबर जल्दी हो जाएं, तो उसके बाद मार्च में एक और गिव अवे की मैं कोशिश करूँगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, कुछ जानना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और अगर मेरे से बात करना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कीजिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में जल्दी।